वो जरा बताओ तो ये आधार कार्ड कैसे भरा जाएगा? अरे अंकल अभी मुझे काम है अंकल, प्लीज अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, किसी और से पूछ लो। सॉरी अंकल, सॉरी थोड़ा सॉरी, सा सॉरी भर अंकल, दो। सॉरी अरे पाँच बाबू थोड़ा ये फार्म भर दीजिए। सॉरी अंकल, अभी मैं बैंक जा रहा हूँ, देखिए पैसे निकालना है मुझे, बहुत इमरजेंसी अंकल, नहीं बता अरे पाऊंगा। ऐसे कैसे होगा, थोड़ा भर दो बाबू, कैसे सहायता नहीं करोगे तो कैसे होगा? अरे अंकल किसी और से भरवा लो, बोल अभी टाइम नहीं अंकल, प्लीज सॉरी सॉरी अंकल, सॉरी बाद में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्म है ये आधार कार्ड करेक्शन यानी कि सुधार का फॉर्म है। तो अभी ये मैं आपको ये फॉर्म फिल करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से ये फॉर्म जो है आपको फिल करनी है। और यदि आपको एड्रेस को चेंज करानी है तो आपको इसके साथ ही साथ एक फॉर्म और फिल करना होता है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आपको इसके साथ साथ एक ये भी फॉर्म फिल करना होता है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करनी है। यदि आपको दोनों ही फॉर्म फिल करनी है तो एक इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले जो मैं थोड़ा सा मोबाइल को नीचे कर लेता हूँ, ये फॉर्म है, फोटो वाला फॉर्म है। रेसिडेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, रेसिडेंट यहाँ पे आप है यानी कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको रेसिडेंट के ऊपर सिंपल से टिक कर देनी है। तो चलिए मैं टिक करता हूँ, इस तरीके से आप यहाँ पर टिक करेंगे रेसिडेंट है तो चलिए मैं इसे टिक कर देता हूँ। और इसके बाद अब जब भी आधार सेंटर जाएंगे तो वहाँ का डेट दे देंगे और यहाँ पर जो है वो डेट आपको दे देनी है। यहाँ आपको अपनी फुल नेम फिल करनी है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ आपको स्मॉल लेटर नहीं लिखनी है, जो भी लिखनी है आपको फुल यहाँ पे कैपिटल लिखनी है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, जो भी है नाम, जिसका भी नाम आपको लिखना है यहाँ पे लिख देनी है। तो KUNAM। कुनाम मैंने लिख दिया और यहाँ पे लिख देनी है SINGH, सिंह, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप फुल लिख देंगे। और यहाँ पे CO का मतलब होता है केयर ऑफ, यानी कि आपके फादर का जो भी नाम है यहाँ पे आप CO के राइट, MOHAN मोहन, SINGH। अब यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेट रोड का नेम है, यहाँ पे आपको वो रोड का नाम देना है जो भी आपका है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप नोएडा में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं और गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखनी है गौतम बुद्ध, GAUTAM गौतम बुद्ध, BUDH बुद्ध नगर, NAGAR नगर। अब यहाँ देखेंगे लैंडमार्क का ऑप्शंस देखने को मिलती है। लैंडमार्क मतलब हो गया जैसे कि आपके घर के बगल में कोई ATM है, कोई शॉपिंग मॉल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई होटल है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। तो हमारे घर के बगल में एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक ऑफिस है, वर्क प्लेस है, तो उसका नाम है प्योनीर हाउस, PIONEER प्योनीर हाउस, HOUSE हाउस। ये इस तरीके से हो गया। एरिया मैंने बता दिया, एरिया जैसे कि हम लोगों का पड़ता है गौतम बुद्ध नगर और वहाँ पे पड़ता है हम लोगों का, मान लेते हैं एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे आपको एरिया देनी है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि एरिया में आपका जो है जैसे कि गली नंबर सेक्टर हम लोगों का 15, एग्जाम्पल के तौर पे सेक्टर 15, इस तरीके से आपको फिल कर देनी है। और यहाँ पे विलेज टाउन सिटी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नोएडा, NOIDA नोएडा। और ये पोस्ट ऑफिस कहाँ है, जैसे कि ये नोएडा है तो मैं नोएडा ही दूंगा, NOI और यहाँ पर DA नोएडा। अब यहाँ पर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट दे देनी है, जैसे कि आप किसी विलेज में रहते हैं तो उसका डिस्ट्रिक्ट भी पड़ता है, तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट अपने हिसाब से दे देनी है। यहाँ मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे स्टेट है तो हम लोगों का स्टेट है उत्तर प्रदेश, UTTR उत्तर, PRDESH उत्तर प्रदेश, इस तरीके से दे देनी है। आपको सही सही एकदम राइटिंग में लिख देनी है जो भी आप दे रहे हैं। और इसके बाद यहाँ देखेंगे आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पिन कोड। आपको अपनी पिन कोड दे देनी है, अपने एरिया का पिन कोड आपको दे देनी है, अपने विलेज का। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। और इसके बाद यहाँ आपको अपनी सिग्नेचर करनी है, यदि आप थंब लगाते हैं तो आपको थंब लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर करता हूँ, तो मैं सिग्नेचर करूँगा और यहाँ पे अच्छे तरीके से सिग्नेचर कर देनी है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपनी पासवर्ड साइज यहाँ पे दे देनी है। और यहाँ पर देखेंगे आपको जो है यहाँ पे कुछ भी फिल अप नहीं करनी है, ये जो आपका फिल करेगा, आप यदि गांव में रहते हैं तो गांव का मुखिया फिल करेगा,
और यदि शहर में रहते हैं तो शहर में आपका जो वो होता है, जो भी मोहल्ले का वो होता है, मतलब तो यदि आप शहर में रहते हैं, यहाँ पे मैंने रेसिडेंट कर दिया और यहाँ पे अपडेट कर यदि आप करवा रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपडेट, यहाँ यदि आप अपडेट करा रहे हैं तो आपको यहाँ पर अपडेट के इस तरीके से साइन कर देनी है। आपका ये फॉर्म पूरा का पूरा फिलअप हो गया है और आपको यहाँ पे बस एक फ़ोटो लगानी है और कुछ भी नहीं करनी है। और यहाँ पे जब आप फोटो लगाएंगे तो यहाँ पे जो भी मुखिया होगा यहाँ पे या फिर वार्ड पार्षद होगा यहाँ पे साइन करेगा, फिर यहाँ पे वो एक साइन करेगा, यहाँ पे एक साइन करेगा, वो सारा कुछ खुद से ही कर देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आप लोग आधार कार्ड के ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।